हेलो सलाम, क्या हाल आपका? कैसे आप? ठीक है। आज हम करेंगे 1.4 क्लास 10 चैप्टर नंबर 1, उसकी लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, ये सारे के सारे एक जैसा मेथड है। ठीक है, क्वेश्चन 1 करेंगे, 4 करेंगे, रेट करेंगे, बाकी आप ट्राई करें खुद। नहीं आएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हैं या मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा जो आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे। मैं रिक्वेस्ट की थोड़ी सी वैरायटी कर दे, इसमें 1 है 4 है ठीक है और 8 है, तो बाकी आपके पास वैसे के वैसे जिस तरह जो हम 8 में करेंगे वही 8, 9, 10, 11, 12 में कर लेंगे, जो हम 1 में करेंगे वही 1, 2, 3 में कर लेंगे, और जो हम 4 में करेंगे वही 4, 5, 6 में करते जाएंगे। ठीक है, तो एक जैसा है, कोई इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ज़रा लेंथी है। ये क्या है? लेंथी है। आमतौर पर इसमें से जब भी आएगा ना, तो आप कोशिश करके ना 1 to 6 प्रैक्टिस कर लो, बस इससे ज़्यादा नीचे वाले करने की जरूरत नहीं। जब आप 1 to 4 भी कर लोगे ना, तो वही सिस्टम चलता जाएगा, जब 1 to 6 भी कर लोगे तो काम चलता रहेगा। ठीक है, चलो जी, पहला करते हैं हम। इधर लिखा होगा सॉल्व, क्या लिखा होगा? सॉल्व। ठीक है, सॉल्व का मतलब होता है कि आपने वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो अब आप इसको गौर से देखो, तो ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये 2x+5 है इज इक्वल टू 7x+16 है। तो आपको मेजर काम ये करना है कि किसी तरह से इसकी इक्वेशन बनानी है जिसमें x एक तरफ हो जाए और एक तरफ 0 हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाए, तो ये सॉर्ट ऑफ क्वाड्रेटिक आ जाएगी। उसके बाद आप इसको क्या करोगे, या वो मिड टर्म ब्रेकिंग से या क्वाड्रेटिक लगा के वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हो। ठीक है, फैक्टराइज करके तो इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो इधर लिखते हैं जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। ये बी एस का मतलब क्या है? बोथ साइड्स। तो क्या आएगा जी, 2x+5 होल स्क्वायर, 7x+16 अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर। मेजर काम हमारा इसको ख़त्म करना है, तो इसके लिए मैं स्क्वायर लिया। आपको पता है कि ये इसे कट जाता है। अब ये इसके ऊपर अप्लाई कर दो तो बेस्ट होता है। इसका फॉर्मूला पूरा लगाया करो, a² + b² कई बच्चे बस a² + b² लिख देते और अगर 2a भी लिखते नहीं है, 2 × 1st टर्म × 2nd टर्म। ठीक है, तो ये a² + b² + 2a भी आ गया जी, इज इक्वल टू, ये इसे कट गया तो आपके पास 7x+16 आ गया। अब इसको आप खोल दोगे तो क्या आ जाएगा जी, ये आ गया 4x², ये आ जाएगा 25, ये आप मल्टीप्लाई करोगे 4 × 5 = 20। ठीक है, और ये इधर ले आओ साथ ही, -7x - 16 = 0। ये देखो मैंने क्या किया, a² + b² + 2ab, ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, ए फर्स्ट टर्म होती है, बी सेकेंड टर्म होती है। जब इसको करेंगे तो ये आएगा 4x², ये आएगा 25, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20x आ जाएगा। साथ ही इसको उधर ले जाए, उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 7x उधर माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 16 उधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया जी 4x², ये जितनी एक कैटेगरी ये ले एक कैटेगरी है। ठीक है, तो इनको करोगे तो प्लस का 13x आ जाएगा। डन, प्लस का 20 है, माइनस का 7 है, तो प्लस और माइनस की टर्म है एक कैटेगरी में, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी और बड़ी टर्म का साइन आ जाएगा। डन, इस तरह से प्लस का 25 है और माइनस का 16 है। देखो गौर से, एक प्लस एक माइनस, तो क्या होंगे? प्लस होंगे, माइनस होंगे, माइनस होंगे। उसका बड़ी टर्म कौन सी है? प्लस की के माइनस की, ये 25 बड़ा है तो प्लस से भी बड़ी है। ठीक है, तो प्लस का 9 आएगा। डन, ठीक है, 25 में से हमने 16 माइनस कर दिए। ठीक है जी, क्लियर होगी बात दी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे जी? अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। एक तो ये कि आप अपना वो लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ये क्या क्या मिड टर्म ब्रेकिंग कर लो। क्या करना चाहते हो? क्वाड्रेटिक लगाना चाहते हो, चलो क्वाड्रेटिक लगा देते हैं। ए क्या है जी? 4, बी क्या है जी? 13, और सी आपके पास क्या है? 9। ठीक है, तो क्या आएगा क्वाड्रेटिक? एक्स इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac/2a। ठीक है जी, अब एक्स इज इक्वल टू क्या आएगी? माइनस ये वाला और 13, उसके साथ तो ऑलरेडी प्लस ही है तो फायदा आ गया, प्लस माइनस किया आपने। ठीक है, b का स्क्वायर क्या दी? 13 का स्क्वायर - 4। a की वैल्यू आपके पास क्या है? 4, और c की वैल्यू आपके पास क्या है? 9। ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ गया, ओवर क्या है जी? 2a, 2 और a की वैल्यू क्या है? 4।
आपके पास इन द एंड आ जाएगा -30 प्लस माइनस करके 13 का स्क्वायर होता है जी 169, माइनस इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो ये 144 आएगा जी, कर लो ये कितना आएगा 44 16, 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेटर यूज कर लो 144 आएगा, और क्या आएगा जी 2 4 8। अब इसको इधर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा इधर -13 प्लस माइनस 25 आ जाएगा, और क्या आएगा जी 8। ये देखो ए 9 में से 4 गए 5, ठीक है इधर क्या रह गया 16, 16 में से 14 गए तो 2, डन ठीक है। या इस तरह भी कर सकते हो कि 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। चलो अब आप एक दफा क्या रखोगे माइनस का, ये प्लस माइनस 5 आ जाएगा, वेरी गुड, ये बड़ा आसान वाला है पहले वाला, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे जी एक्स इज इक्वल टू -13 प्लस 5 ओवर 8 कर दोगे, और एक दफा करोगे एक्स इज इक्वल टू -13 माइनस 5 ओवर 8, डन ठीक है। एक दफा हमने क्या किया प्लस में लिख दिया और एक दफा माइनस में लिख दिया, इसको करोगे तो ये 8 आएगा, बड़ी टर्म का साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि एक साइन ओके जी विल कंटिन्यू दिस। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, मुझे लगता है कि बीच में जब रिकॉर्डिंग चल रही थी तो उसकी जो मेमोरी वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है, तो मुझे इसको यहाँ से तकरीबन थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा सॉल्व करके दे दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। ये आगे जी एक्स माइनस ये जब करोगे तो 169 में से 144 माइनस करोगे 25 आएगा, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 5 आएगा, एक दफ़ा आप इसको प्लस में लिखोगे एक दफ़ा आप इसको माइनस में लिखोगे, ठीक है। तो इधर से जब देखते हो तो एक का आंसर -8/8 आएगा, एक का -18/8 आएगा। यहाँ पर मुझे लगता है कहीं लाइट इफेक्ट कर रही है, ठीक है, अगर लाइट आ जाती है तो आप उसको मैग्नीफाई करके देख सकते हो। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -1, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा 2 4 8 2 9 10, तो ये -9/4 ये आ गया, और ये क्या पास आ गया -1, ठीक है। ये बड़ी टर्म का साइन लगेगा या माइनस का, ये दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का ही साइन रहेगा। अब मैंने आपको बोला कि जब भी एक्स की वैल्यू निकलती है तो इस इन सवालों में आपने चेक करना है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, आप गौर से सुनो, अगर लाइट भी हुई तो आप इसको इग्नोर कर देना। टू वेरीफाई और चेक, ठीक है, वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन क्वेश्चन, ठीक है, गिवन इक्वेशन या गिवन क्वेश्चन ये था, ठीक है, गिवन क्वेश्चन भी लिख सकते हो, गिवन इक्वेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी तो फिर आपके पास क्या होगा, फिर वो मैंने मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, ठीक है, मैं ना इसकी वैल्यू साइड पे लिख देता हूँ ताकि पुट करने में आसानी हो, ठीक है। जो हमारे पास रूट्स निकली हैं या जो एक्स की वैल्यू निकली है, रूट्स का मतलब कहते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स वो क्या है, एक -1 निकला हुआ है और एक -9/4 निकला हुआ है, ठीक है। इसको मैं बाद में क्या करूँगा उधर आके देख लेंगे जी, ठीक है। अब इसको चेक करना है, अब इसको रब करना पड़ेगा और दो पार्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर तो इसका आंसर लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर निकल आएगी, ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो बराबर निकल आए हैं ये वैल्यू प्लेस करने के बाद, तो आपका आंसर वही होता है जो एक्स की वैल्यू निकल आई है। अगर नहीं निकलता तो फिर आपका एम्प्टी सेट भी हो सकता है, और अगर नेगेटिव में निकल आए तो फिर उसको बोलते हैं, अगर इमेजिनरी निकल आए तो फिर उसको बोलते हैं क्या, एक्सट्रेनियस रूट्स, क्या बोलते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। अब चेक करते हैं जी, ठीक है, चलो जी अब क्या आएगा जी, टू चेक स्लैश वेरीफाई, ठीक है, वी पुट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू पहले वाला प्लेस करते हैं जी -1, चलो जी इसमें -1 पुट करो इन, इसमें जी 2, इसको 1 कर लो ताकि आपको ना सारे रहे, चलो जी 2 एक्स की जगह मैं क्या लगा दूंगा अब -1, डन प्लस 5 ये फिर इधर आया जी 7 -1, ठीक है प्लस 16।
अब याद रखो, जब वेरीफाई करते हैं, जब चेक करते हैं, तो कोई भी चीज लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे नहीं लेके जाते, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली ये जो लिखा हुआ था मैंने इसको लिख दिया टू चेक और वेरीफाई रिपुट वैल्यू ऑफ एक्स, बारी बारी लगाएंगे, पहले माइनस वन लगाएंगे और चेक करेंगे क्या माइनस वन इसका रूट है, रूट कब होगा जब इसकी वैल्यू इधर वाली और इधर वाली दोनों बराबर निकलेंगे। अब चेक करके बताता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा इधर माइनस टू प्लस फाइव, इसको करते हो तो क्या आ जाता है माइनस सेवन प्लस का 16, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते हो तो क्या आ जाता है आपके पास प्लस का 3 आ जाता है, ठीक है। 16 में से 7 माइनस कर दो तो 9 आ जाता है, ठीक है। देखो ना 16 में से हमने क्या कर दिया, 7 को माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 9, क्योंकि प्लस की बड़ी है तो प्लस का आया। तो इधर देखो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आगे बराबर आ गए, 3 इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो 3 इज द, ओ ये वाला जो हमने प्लेस किया, सो माइनस वन इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब ये चेक करते नहीं, ये बात हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या थी, वो थी 2x+5 इज इक्वल टू 7x+16, इसको हम नंबर नंबर वन कर दिए थे, ठीक है। टू वेरीफाई, ठीक है, और चेक पुट x इज इक्वल टू -904 इन वन। अब जो दूसरा रूट है ना उसको भी चेक करना है हमने, वो क्या निकाला था हमने -9/4, तो अब x की जगह क्या लगाओगे कि -9/4, तो 2 -9/4 प्लस 5 आ गया, इधर 7 -9/4+16 आ गया। इसको करोगे तो क्या आएगा, कट जाएगा इसके साथ, तो -9/2+5 आएगा, ये करोगे तो माइनस का 63/4 आएगा, प्लस का 16/1 आएगा। अब इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, क्या देगा 2। अब ये 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या देगा 1, 1 को ऊपर करोगे तो -9 ही आ जाएगा, प्लस इस 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2, 2 को ऊपर 5 से करोगे तो 10 आ जाएगा। इन दोनों एलसीएम क्या आएगा आपके पास 4, माइनस का 63 आएगा, इस 4 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा आपके पास 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इस 4 को हमने 1 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 4, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है जी। इन दोनों को सॉल्व करते हो तो क्या आ जाता है आपके पास 1/2 आ जाता है, इसको सॉल्व करते हो तो 1/4 लेकिन ऊपर अंडर रूट आ जाता है, तो ये भी 1/2 आ जाता है और ये भी 1/2 आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ठीक है, रूट्स या सोल्यूशन सेट और सोल्यूशन सेट ये भी लिख सकते हो इज इक्वल टू जो वैल्यू ऑफ एक्स है, जो सोल्यूशन सेट है उसमें वैल्यू ऑफ एक्स क्या निकली आपके पास, एक निकला हमारे पास -1 वो भी सेटिस्फाई कर गया, और -9/4 वो भी सेटिस्फाई कर गया, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर ये वैल्यू ना सेटिस्फाई कर, फर्ज को ये सेटिस्फाई करती है तो ये रूट आउट रहता, और ये नहीं सेटिस्फाई करती तो ये एक्सट्रेनियस रूट आ जाता, ठीक है। इसको आप जरा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है, ओके।